दोस्तों सीखे समझे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक लकड़हारे की कहानी सुनाएंगे, द स्टोरी ऑफ अ वुडकटर। ये कहानी हो सकता है आपने पहले सुनी भी हो, लेकिन बहुत ही जरूरी है कि ये कहानी का पूरी तरह से अर्थ समझा जाए। बहुत समय पहले लकड़हारा एक व्यापारी जो लकड़ी के व्यापार करता था उससे काम मांगने के लिए गया। उसे काम उसने दे दिया। उसने ये बताया कि वो बहुत अच्छे से लकड़ियाँ काटेगा और अपना सर्विसेज देगा। वो मान गया, उसने उसे काम पर रख लिया। उसके मालिक ने उसे कुल्हाड़ी दी और उसे बोला, इस तरफ जाकर आप काम करना शुरू कर दो। पहले दिन लकड़हारे ने 18 लकड़ियाँ काटी। उसके बॉस ने कहा, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चलो अब दूसरे रास्ते पे जाकर लकड़ियाँ काटना शुरू करो। मालिक के शब्दों द्वारा प्रेरित लकड़हारा अगले दिन पूरे जोश के साथ निकला और उसने 15 पेड़ काटे। तीसरे दिन बहुत कठिन परिश्रम किया, उसके बावजूद उसने 10 पेड़ काटे और धीरे धीरे उसके पेड़ लाने की जो संख्या थी वो कम होती गई। एक दिन उसके बॉस ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने अपने बॉस से कहा, हो सकता है कि मैं अपना ताकत खो रहा हूँ और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर उसने उससे कहा कि हो सकता है तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार तेज ना हुई हो, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा हो। तेज धार? कुल्हाड़ी ने बोला, उसमें पैनापन नहीं था, उसके लिए तो समय था ना, लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो पेड़ काटने के लिए। वो हंसने लगा, उसका बॉस हंसने लगा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि हम लोग भी इसी तरह से ही हैं। हम लोग अपने आप के स्किल्स, ये सवाल हम लोगों से भी पूछना चाहिए, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम लोग जो काम कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। अगर हाँ तो परिणाम अच्छे होंगे, अगर ना तो आपको जरूरत है कि आप और मेहनत करें और अपने स्किल्स को शार्प करें, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को।